नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक ट्रांसफ़र पर बड़ा अपडेट है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं, शिक्षक के होंगे या नहीं। दोस्तों, हम आपको यह क्लियर बताने वाले हैं। अभी जनजाति कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा, तो जो जनजाति कार्य विभाग है उसने तो आदेश जारी कर दिया है, और जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी हुआ था उसका संदर्भ दे करके कि अब जो 4 जुलाई तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अब सबसे बड़ा दुख ये है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग उसने अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया है ताकि पता चल सके कि ट्रांसफ़र शिक्षकों के होंगे या नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 20 से 25 जुलाई तक संभव है। तो दोस्तों, अब यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग का एक विशेष विभाग है जनजाति कार्य विभाग, वो मान रहा है जबकि स्कूल शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है। तो दोस्तों, क्रोनोति हो चाहे कुछ भी हो, जनजाति कार्य विभाग में कार्य चल रहा है लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं चल रहा, आखिर ऐसा क्यों? यानी कि दो नियम, इस प्रकार से दो कानून हुआ है, जैसे कि ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन का है, उसी प्रकार से अब जनजाति कार्य विभाग में अलग कानून चल रहा और स्कूल शिक्षा विभाग में अलग चल रहा। तो आइए फिलहाल में पहले हम जनजाति कार्य विभाग का आदेश देख लेते हैं, फिर स्कूल शिक्षा की खबर जानेंगे। तो दोस्तों, अभी आप ये आदेश देखें, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग ने 30 जून यानी कि आज ही पत्र जारी किया प्रति कलेक्टर समस्त जिले के लिए है विषय। आप देख सकते हैं कि जनजाति कार्य विभाग की स्थानांतरण नीति वर्ष 2023, संदर्भ आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भ में लेख है कि जिले के अंदर स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 28 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई थी। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भ पत्र क्रमांक 2 के द्वारा जिले के अंदर स्थानांतरण करने की समय सीमा 30/6/2023 से बढ़ाकर 7/7/2023 कर दी गई है। अतः विभाग अंतर्गत स्तंभ के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा दिनांक 28 जून 2023 से बढ़ाकर दिनांक 4/7/2023 तक निर्धारित की जाती है, यानी कि 4 जुलाई तक। आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित है सुधीर कुमार जैन है उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, ये बात हो गई जनजाति कार्य विभाग की, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश यहाँ पे चल रहा है लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं चल रहा। आइए अब खबर देख लेते हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की। आप देख सकते हैं कि जून में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो गई, हाल ही में यह तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई तक हो गई, लेकिन शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आने के कारण शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ट्रांसफ़र करवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया करने, पोर्टल ओपन करने पर वरिष्ठ अधिकारियों का तर्क है कि शिक्षा विभाग की अपनी पॉलिसी है, उच्च स्तर पर वरिष्ठ शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके होने के बाद पद खाली होंगे, फिर ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा जिससे इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। शिक्षकों में संशय था। DEO शत्रुंजय सिंह बिसेन ने कहा कि शिक्षा विभाग की अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, पहले उच्च पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया चल रही है, संभावना है कि 20 से 25 जुलाई तक पोर्टल ओपन किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा अधिकारी ने 20 से 25 तक पोर्टल ओपन किया जाएगा एक संशय भरा बताया कि हो सकता है, इसमें भी कोई पक्का नहीं। अगर इनकी बात सच होती है तो 20 से 25 जुलाई में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और पोर्टल जो है ऑनलाइन ओपन हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने विचार जरूर लिखें, बताएं कि शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग का जनजाति कार्य विभाग आदेश मान रहा है, आपकी शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है। इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।